त्रयोदशी व्रत का महात्म। त्रयोदशी व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत को करने से विधवा स्त्रियों को धर्म की प्राप्ति होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएँ देवादि देव महादेव पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत करने वाले लोगों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूर्ण करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष वार परिचय इस प्रकार है। रवि प्रदोष आयु आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष करना चाहिए। सोम प्रदोष अभीष्ट सिद्धि हेतु सोम प्रदोष व्रत करें। मंगल प्रदोष रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष व्रत करें। बुध प्रदोष सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष व्रत करें। बृहस्पति प्रदोष शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष करें। शुक्र प्रदोष सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष करें। शनि प्रदोष पुरुक्त पुत्र प्राप्ति हेतु शनि प्रदोष व्रत करें। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता हो उसी वार का त्रयोदशी व्रत करना चाहिए तथा उसी दिन की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। रवि सोम शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत अवश्य करें। इनसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। आज सोम प्रदोष है, अब मैं सोम प्रदोष व्रत कथा सुनाती हूँ। सौनकादि ऋषि बोले, हे दयालु, आप कृपा करके सोम त्रयोदशी प्रदोष का व्रत सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषिवरो, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें, फिर स्तुति करें। हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। सौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और क्या फल पाया। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। भरण पोषण का कोई आधार नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी और जो भिक्षा में प्राप्त होता था उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांग कर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई, वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे, उन्हें वहाँ गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उनको राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, शंकर भगवान वैसे ही अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व है। जय भोलेनाथ।